तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल जी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रॉइड में iOS का कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते दोस्तों। साथ ही आपको iOS के इमोजीज भी दोस्तों आपको उसी कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगी, जो कि दोस्तों पूरी तरीके से विदाउट रूट अपने किसी भी एंड्रॉइड में आप इसको वर्क करा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला दोस्तों, तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट बना के सी देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, वहाँ पर से जाकर आपको कुछ इस प्रकार से एक गूगल ड्राइव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आपको आईफोन कीबोर्ड करके एक फाइल देखने को मिल जाएगी, इस फाइल को आपको करा लेना है अपने डिवाइस में डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड एनी वे पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में जो आईफोन कीबोर्ड करके एक जिप फाइल है दोस्तों, वो आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको अपने डिवाइस का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चले आना है सर्च बॉक्स पे। सर्च बॉक्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जेड आर्चीवर। जी हाँ दोस्तों, जेड आर्चीवर आप जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पर दोस्तों जेड आर्चीवर करके ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इसी एप्लीकेशन को दोस्तों आपको कर लेना है अपने डिवाइस में इंस्टॉल। जी हाँ दोस्तों, मेरे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल था, इसको सिंपली से मैं अनइंस्टॉल करके अगेन यहाँ पर से इसको इंस्टॉल करा लेता हूँ, जिससे दोस्तों आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए किस प्रकार से इसको सेटअप करना है करके। आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में दोस्तों जेड आर्चीवर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली मैं करा लेता हूँ इसको ओपन। ओपन कराने के बाद दोस्तों ओके की परमिशन आपको दे देनी है, अलाउ एक्सेस आपको दे देनी है दोस्तों, जिससे सभी फाइलों को दोस्तों ये एक्सेस कर पाए। फाइल एक्सेस देने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको इस एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करके ओपन करना है। सिंपली से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों सिंपली से अगेन मैं यहाँ पर से जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। आप देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर तरीके से हमारा जो जेड आर्चीवर ओपन हो चुका है। आपको सिंपली से डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आईफोन करके एक यहाँ पर एक जिप फाइल देखने को मिल जाएगी, आईफोन कीज करके। इस जिप फाइल को सिंपली से आपको कर देना है एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट हियर पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको प्रोवाइड करा देना है 2024 करके। जी हाँ दोस्तों, 2024 करके आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे आपका जो फाइल है दोस्तों यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके कंप्लीट एक्सट्रैक्ट होने तक। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से हमारा जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देन दोस्तों एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक नई फाइल देखने को मिल जाएगी ओप्ट कीज करके। जी हाँ दोस्तों, OPT कीज करके आपको एक APK फाइल देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जेड आर्चीवर को परमिशन दे देंगे कि वो आपके डिवाइस में इस ऑप्ट कीज एक्स वाले कीबोर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सके। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा डिवाइस में एक कीज एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं। सिंपली से आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ग्रांट परमिशन दे देनी है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोफोन की परमिशन दे देनी है। देन आपको यहाँ पर मैनेज कीबोर्ड में जो ऑप्ट कीज है दोस्तों उसको अगेन परमिशन दे देनी है। देन आपका सक्सेसफुली ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों कीबोर्ड्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड्स पे क्लिक करेंगे देन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन। चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करना है। देन आपको दोस्तों सिंपली से आपको इसी वाले इंग्लिश कीबोर्ड को कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जी बोर्ड को सेलेक्ट नहीं करना, आपको नीचे में एक इसी इंग्लिश करके यहाँ पर एक कीबोर्ड देखने को मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर देना। देन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों साउंड ऑन की प्रेस, इसको एनेबल कर लेना है। अगर आप वाइब्रेट भी चाहते हैं दोस्तों अपने कीबोर्ड में तो उसको भी आप एनेबल कर सकते हैं। देन आपको दोस्तों कैरेक्टर पे व्यू भी यहाँ पर से आप एनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको प्रॉपर इसको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ये आईफोन का कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है। सिंपल से मैं टाइप नहीं हियर पे करूँगा क्लिक। आप देख सकते हो दोस्तों कितनी बहुत ही आसानी से हमने अपने एंड्रॉइड में iOS का कीबोर्ड यहाँ पर से इंस्टॉल कर रखा है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। आपको जो की के साउंड्स हैं, आपको जो इमोजीज है दोस्तों वो भी आईफोन के देखने को मिल जाने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों अगर आप iOS का कीबोर्ड और iOS का इमोजी यूज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करिए, आपके डिवाइस में बहुत ही आसानी से एनेबल हो जाने वाला। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।